तीन इंच की दूरी से अपनी माँ को गोले मार देना और उसके बाद उसी घर में शव के साथ और अपनी छोटी बहन के साथ तब तक रहना जब तक कि सब जगह दुर्गंध ना फैल जाए। आपको लग रहा होगा कि मैं किसी मूवी का दृश्य बता रही हूँ या फिर कोई विलन के बारे में आपसे बात कर रही हूँ, पर मैं यहाँ पे कोई मूवी का दृश्य नहीं, ना ही कोई विलन के बारे में बात कर रही हूँ, बल्कि मैं बात कर रही हूँ हमारे आसपास हमारे पड़ोस में रहने वाले एक नाबालिग एक अनजान किशोर की, जिसको पता ही नहीं कि उसने क्या कर डाला। ना तो ये लड़का पागल था और ना ही इसकी अपनी माँ के साथ किसी प्रकार की दुश्मनी थी, तो आखिर उसने ऐसा क्यों किया और इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार है नशा। जी हाँ, नशा। पर ये वो नशा नहीं जिसके बारे में आप और हम सदियों से जानते आ रहे हैं, बल्कि एक ऐसा नशा जिसने पिछले 10-15 सालों में हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली जनरेशन को अपने में जकड़ लिया है। माँ बाप को लगता है कि बच्चा शांति से गेम खेल रहा है, किसी को परेशान नहीं कर रहा है, उधम नहीं कर रहा है। मैं बात कर रही हूँ वीडियो गेम की और उसकी लत की। ऐसा नहीं है कि आपने या हमने कभी वीडियो गेम्स नहीं खेले। एक वो समय था जब हम अपने माँ बाप से कुछ 1-2 रुपए लेके बाजार जाते थे, दुकान पे बैठ के वीडियो गेम खेलते थे और उसका किराए दे के सहजता से और मासूम तरीके से अपने घर वापस आ जाते थे। वो भी एक बचपन था जो छीना नहीं हमसे। पर पिछले कुछ सालों में इन गेमों ने एकदम डरावना रूप धारण कर लिया है, जिसने सबको हिला दिया है। परिणाम स्वरूप केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कई माँ बाप कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं। चरस गांजा के नशे की तरह ही इन वीडियो गेम का भी नशा होता है। इन गेम्स में हर एक स्टेज में आगे बढ़ने के लिए कुछ शर्तें सामने आती हैं और अनिवार्य रूप से इन सारी शर्तों को पूरा करना खेलने वाले के लिए ज़रूरी होता है। पर वो ये भूल जाते हैं कि ये आभासी दुनिया है, इसका रियलिटी से सच्चाई से कोई वास्ता नहीं, और इन शर्तों को पूरा करने के लिए हर हद को पार कर जाते हैं और उस समय उन्हें कोई रोके टोके ये समझाने की कोशिश करे तो सामने वाला उसका दुश्मन बन जाता है और बस यही अंत होता है मासूमियत का। माँ बाप को लगता है कि बच्चा केवल कंप्यूटर पे गेम खेल रहा है, पर वो इस बात से अनजान होते हैं कि बच्चे के मन में किस तरीके का तूफान उमड़ रहा है। पर ये तो केवल शुरुआत है, अभी इसके भयंकर दुष्परिणाम आना बाकी है, क्योंकि जिस प्रकार से आए दिन नए नए गेम सीरीज लॉन्च होती जा रही हैं, वो और भी हिंसक और मन में अपराध की मानसिकता को पैदा करने वाली है। आज एक पूरी की पूरी पीढ़ी इस नशे में लिप्त हो चुकी है और इसे कोई रोकने वाला भी नहीं है। और रोकता भी कैसे, क्योंकि माँ बाप इस बात से अनजान थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि ये वीडियो गेम्स डेवलप करने वाली कंपनी उनका केवल एक उद्देश्य होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पूरी दुनिया में अपने इन गेम्स को बेच सके और अरबों खरबों रुपए कमा सके। इसीलिए वो चेतावनी यानी कि वार्निंग भी बहुत छोटे छोटे शब्दों में लिखते हैं। अगर आप आंकड़ों पर ध्यान दें तो पूरी दुनिया में गेम्स डेवलप करने के मामले में भारत देश टॉप 5 पोजिशन में आता है, जिसका मार्केट $1 बिलियन है, यानी कि लगभग 7700 करोड़ रुपए। 2019 के रिकॉर्ड के हिसाब से 550 करोड़ गेम्स डाउनलोड किए गए थे केवल भारत में, जिसका नंबर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा था। इसमें केवल बच्चे ही नहीं बल्कि अडल्ट मेल और फीमेल भी शामिल है, जिसमें मेल्स एडवेंचरस रिस्की और कार रेसिंग जैसे गेम्स को खेलते हैं, जहां पे महिलाएं क्विजेस और पजल्स पसंद करती हैं। इन वीडियो गेम्स से केवल आंखों को ही नुकसान नहीं होता बल्कि दिमाग और पूरे शरीर पे असर करते हैं ये वीडियो गेम्स। इससे नींद ना आना, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सोशल फोबिया, स्कूल फोबिया,
बस इतना ही नहीं, इसके कुछ दुष्परिणाम इतने खतरनाक हैं कि आपका दिल दहल जाएगा। लखनऊ का एक परिवार जिसमें पिता आर्मी में, माँ गृहिणी और एक 16 साल का लड़का और एक 10 साल की लड़की। 16 साल के लड़के को मोबाइल में वीडियो गेम खेलने की लत थी। वो इतना ज़्यादा वीडियो गेम खेलता था कि माँ ने उसको एक बार नहीं हज़ार बार रोका टोका समझाने की कोशिश की, पर एक दिन जब उसने नहीं सुनी तो माँ ने उसको एक थप्पड़ मार दिया। उस समय तो लड़का शांत रहा, पर रात को 3 बजे उसने अपने पिता की लाइसेंस रिवॉल्वर उठा के अपनी माँ को गोली मार दी और अपनी छोटी बहन को भी धमकाया कि अगर उसने ये बात किसी को बोली तो वो उसको भी गोली मार देगा। और फिर उस सब के साथ वो उस घर में लगातार अपनी माँ के बॉडी पे इत्र छिड़कता रहा ताकि दुर्गंध बाहर ना फैले। पर देर सवेर सबको इस बात की खबर हो गई, पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। इतना ही नहीं, एक लड़के ने अपने माता पिता के अकाउंट से 35 लाख रुपए सिर्फ गेम खेलने में खर्च कर दिए। अब सवाल ये है, क्या हम अपने बच्चों को बर्बाद होने से बचा नहीं सकते? बिल्कुल बचा सकते हैं, इनफैक्ट हमें बचाना ही होगा क्योंकि हमारे बच्चे हमारा ही भविष्य हैं। पर हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उनसे प्यार से स्नेहपूर्वक उन्हें इस चीज़ को समझाएं। अगर वो तब भी ना समझ रहे हों तो आप साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट की मदद ज़रूर लीजिएगा। मैं सरकार से भी अनुरोध करती हूँ कि इस विषय पर थोड़ी रोशनी डालें और ठोस कदम उठाएं। इसी के साथ मैं जिम्मेदार कौन को अल्प विराम देती हूँ और मिलती हूँ आपको नए एपिसोड नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।